जुनैद जी भाई भीतर से 100 रुपए लेके आना। उस रोज नमाज में वो थी पर लगा दुआ हमारी मंजूर हो गई। मूंछों का निशान भर नहीं आया था पर अचानक से लगा कि जवान हो गई, शादी करने लायक, इसी लड़की के प्यार में जीने लायक और इसी लड़की के प्यार में मरने लायक। चाट कर ले जाएंगे, तुम ग्लास लेके दूध ढूंढते रहना। मतलब? अबे मतलब अगर अब भी नहीं बोले ना तो लड़की के बली में मैं फिर नहीं खाते दिखोगे। I love you. डर गए क्या? जा। एक थप्पड़ मारेंगे ना तो सारी रंगबाजी निकल जाएगी एक मिनट में। इतना तो हम सोच के आए मार दो। नाम तो बता दो। कल थप्पड़ खाने आना फिर बताएंगे। कल बोर्ड का लास्ट पेपर है, गंगा किनारे वाले किले पे मिलना। नाम क्या बताया था तुमने? रिजवान। और तुम्हारे बाप का? मिर्जा खालिद। सोचा नहीं था ना। कह दो तुम्हें प्यार नहीं है वरना अभी कलाई काट देंगे अपनी। प्यार नहीं है। ऐसा जितनी चीछा लेदर होनी थी हो गई। तुम कल ही निकलोगे अलीगढ़, गोपी के पास रहो वहीं पढ़ो। सोया तुम चिंता ना करना, तुम्हारा इंतजार करेंगे हम। और देखना जब तक तुम आओगी तुम्हारे घर के लाडले बन जाएंगे। उस रोज हमें पता चला कि दिल ना साला लेफ्ट में होता है ना राइट में, सेंटर में होता है, क्योंकि हमें वहीं दर्द उठ रहा था। पर हम अभी मरे नहीं थे, क्योंकि रामायण में सिर्फ सुंदरकांड नहीं होता, लंका दहन भी होता है जो अभी बाकी था। साला हमारा जवान होना अभी बाकी था। सोता रही है तेरी लौट के। कुत्ते मर जा उस कुतिया के पीछे। 8 साल में उसका बुखार नहीं उतरा ना। हाड़ में जा कुंदन, कीड़े पड़ेंगे उसे और तुझे भी। साले क्या खबर लाए हो। क्या हाल है कुंदन? प्रणाम आंटी जी। लेकिन कुंदन अभी तो गैस है घर में। अरे त्योहारों का टाइम है आंटी जी। हाँ। ले लो वरना मिलेगा नहीं। कैसे हो? अब अच्छा हूँ। मैं वही कह रही थी यार, बनारस को क्या हो गया? गैस सिलेंडर वाले लाइन मारने लग गए। मम्मी मैं 9वीं में नहीं हूँ कि जो चाहे कर लो, मुझे शादी नहीं करनी। क्या क्या बोली तो? मम्मी चाहती क्या हो? या तो मुझे बाहर भेजा ना होता, इतना पढ़ाया ना होता, और जब इतना किया है तो लड़का मेरे पसंद का होना चाहिए ना। अरे अपने जैसा मतलब कैसा?
मुझे किसी और से प्यार है। हमें पता है, पर तुमने कभी कहा ही नहीं। अब कह रही हो ना, एक लड़का है मेरे साथ दिल्ली जेएनयू में पढ़ता है, अगर उसे शादी नहीं हुई ना तो मैं जान दे दूंगी। जानती तू कि कुंदन, अगर इन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो जाओ, घर जाओ, सो जाओ, निकालते हैं कोई जुगाड़, जाओ। नाम क्या है तुम्हारे हीरो का? या अमिताभ बच्चन बुलाएं? अकरम, अकरम जैदी। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है गुरुजी, आपकी इज्जत का बहुत ख्याल है उससे। हमें तो वो 8 साल पहले ही भूल चुकी थी, पर अब जिस लड़के से बहुत प्यार करती है उससे भी आपसे पूछ के ही शादी करना चाहती है। ऐसा क्यों हो रहा है? बुरा नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट, हाँ मैं ठीक हूँ। देख, पूरा कर इसे। पूरा कर इसे। क्या बात? हाँ, क्या हुआ? ये हिंदू है,